दिगरा शहर में जामा मस्जिद से सटी पालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर वहां टीन शेड की दुकानें खड़ी की गई है। इन दुकानों को हटाने की मांग को लेकर पूर्व नगराध्यक्ष जावेद पहलवान ने दोबारा श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया है। पालिका के करीब यह अनशन जारी है। इससे पहले भी इस संदर्भ में उन्होंने अनशन किया था। इस वक्त तत्कालीन मुख्याधिकारी ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक जामा मस्जिद परिसर में किया गया अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। जावेद पहलवान ने एनबीसीएन से हुई बातचीत में बताया कि मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी के आते ही शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम जोरों शोरों से शुरू हुई है, लेकिन बार बार शिकायत सौंपने के बाद भी जामा मस्जिद परिसर का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है, ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। पालिका प्रशासन ने इस बारे में अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो आगामी 1 जनवरी से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन करने का इशारा भी पूर्व नगराध्यक्ष जावेद पहलवान ने दिया है। मेरा ये बोलना है, अभी तक जैसा हमारे मैडम है, मुख्याधिकारी मैडम, तो मैडम को 3 समर्थन पत्र दिया मैंने। समर्थन पत्र देकर ये बोला मैंने उनको कि भाई नजरुल ने तुमको बता दिया कि जगह तुम्हारी है, उसके बाद तुम भूमि अभिलेखने मुर्जी शीड भी बता दिया कि जगह तुम्हारी है। उसके बाद वो आगे वाले कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने भी उनको फेटा दिया, उनको दावा करे थे उनको कोर्ट ने कि जगह नगर परिषद की नहीं, मैंने कोर्ट की भी उनको दावा फेटाड़ा। उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट ने बोला कि नगर परिषद की जगह है। तो मैडम को मैंने विनंती करा, 3 समर्थन पत्र दिया तो भाई अतिक्रम हटाओ करके, अवैध अतिक्रम जो 3 छेड़े ये हटाने में आना करके। मैडम जो है उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए मेरे को। इसके वास्ते मैंने उनको लेटर दिया था कि 26 तारीख से मैं साकड़ी उपोषण कर रहा है, ये साकड़ी उपोषण हमारा 2-3 दिन तक चलेगा। उसके बाद 11 तारीख 1 तारीख को आएंगी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को समझो यवतमाल जो जिला जी कार्यालय पे मैं आमरण उपोषण को वहाँ पे बढ़ रहा जाके, क्योंकि मैडम तो ऐसा सुनने की तैयारी भी नहीं है। मैडम जो मैडम को बोला मैंने, मैडम काटेंगे काटेंगे कर रही मैडम जो, उसमें कोर्ट का भी होगा मैडम के को इस समझ समझ नहीं आ रहा। मैडम को दबाव तंत्र में है इसके अंदर करके जो मैडम ने काटने होना, कोर्ट का भी डिसीजन होगा उसके अंदर। मैडम पूरे गांव का अतिक्रम काट रहे थे, ये अतिक्रम नहीं दिख रहा है, ये तो खुद का नगर परिषद का अतिक्रम है। नजरुल ने बता भी दिया तुमको कि तुम्हारी जगह है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले को लेकर पालिका प्रशासन की पहल शुरू हो चुकी है। बीते बुधवार को जामा मस्जिद परिसर की अतिक्रमित जगह पर पहुंचकर उपविभागीय अधिकारी और पालिका मुख्याधिकारी ने अतिक्रमण करने वालों को तत्काल अतिक्रमण हटाने की सूचना दी है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिगरा से जुबैर खान की रिपोर्ट।